हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा एंड थ्योरम्स के बारे में। एज यू ऑल नो, डिजिटल सर्किट्स जो हैं वो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, लाइक ज़ीरो और वन। वो बाइनरी डिजिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और इससे पहले जो भी ऑपरेशन ये परफॉर्म करते हैं वो लॉजिक सर्किट्स की फॉर्म में कह लो, या लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं आपके जितने भी डिजिटल सर्किट हैं वो सभी। और लॉजिक फंक्शंस हमने यूज़ डिफरेंट जो है लॉजिक गेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यही लॉजिक गेट्स जो हैं लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो बुलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा दैट इज़ यूज टू सिम्बॉलिकली डिस्क्राइब दीज लॉजिक फंक्शंस। ओके, सो बुलियन अलजेब्रा is an algebra which is used to symbolically describe logic functions। वो अलजेब्रा जो लॉजिक फंक्शन को सिंबॉलिकली डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। अब क्यों हमें बुलियन अलजेब्रा की यूज़ कर पड़ी, जबकि अलजेब्रा तो आप बचपन से करते आ रहे हैं कि प्लस के कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे है, सब्सट्रैक्शन कैसे है, डिवीज़न कैसे है। बट बुलियन सर्किट या डिजिटल सर्किट और नॉर्मल लाइफ में जो आप पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रा, उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो बुलियन है वो सिर्फ दो डिजिट पे काम करता है, ज़ीरो एंड वन। इसमें कोई भी तीसरा डिजिट इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि नॉर्मल में हम डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं, ज़ीरो टू नाइन। सो जो बेसिक फंक्शन है वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा के पास सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं, ज़ीरो और वन। यहाँ पे भी ध्यान रखना कि वेरिएबल को उसी तरह जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह नॉर्मल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी अल्फाबेटिकल लेटर से। अगर मैं ए बी लिखती हूँ सो दीज आर वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स ये इनकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू ले सकती। सो वेरिएबल को हम लाइक ऑर्डिनरी अलजेब्रा लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और बुलियन अलजेब्रा में फोर कनेक्टिंग सिंबल होते हैं। इट हैज़ फोर कनेक्टिंग सिंबल। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वालिटी सिंबल, इक्वालिटी। सेकेंड इज योर इक्वालिटी सिंबल या साइन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वालिटी का क्या मतलब है, दैट इफ ए इज इक्वल्स टू बी, अगर हमने लिखा सो इसका क्या मतलब है कि अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है देन योर बी इज ऑल्सो ज़ीरो, और अगर ए वन है देन योर बी इज ऑल्सो वन। सो दिस इज सिंपली योर इक्वालिटी ऑपरेटर। सेकेंड इज योर एडिशन ऑपरेटर, और यू कैन से प्लस साइन। जो कनेक्टिंग सिंबल है बुलियन अलजेब्रा में वो चार है। फर्स्ट सिंबल इज योर इक्वालिटी, सेकेंड इज योर प्लस सिंबल। प्लस सिंबल का इससे पहले हमने डिजिटल लॉजिक गेट यूज़ किया है, किस कौन से लॉजिक गेट में होता है, ये और गेट। और गेट के लिए हम एडिशन का सिंबल या और सिंबल यूज़ करते हैं। सो ए प्लस बी, ओके, इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वन ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है बुलियन अलजेब्रा में कि ए और बी इज इक्वल्स टू वन। ध्यान रखना यहाँ पे मैं ये चीज़ दोबारा लिख रही हूँ, दिस इज ए ओड बी। ओड का यहाँ क्या मतलब है कि ए के और बी में और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है और रिजल्ट वन है, और ये रिजल्ट वन कब देता है, इधर ए और बी और बोथ आर वन, दोनों में से एक या फिर दोनों ही अगर वन होंगे तो इसका आंसर वन होगा। थर्ड इज योर, थर्ड कौन सा है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन साइन। जो कनेक्टिंग ऑपरेटर है थर्ड वन इज योर मल्टीप्लिकेशन। इसको कहीं डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कहीं स्टार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। डिफरेंट बुक्स अलग अलग कन्वेंशन यूज करती हैं इसके लिए। सो इफ देयर इज रिटन लाइक ए और एंड बी, ठीक है, इसको इस तरह लिखते हैं, ए एंडेड बी,
सो इसका क्या मतलब होता है ए एंड एट बी का, दैट इफ योर ए एंड बी इज इक्वल्स टू वन, ऐसा तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोथ आर वन, अगर दोनों लॉजिक वन पे होंगे तभी दिस इज इक्वल्स टू वन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ओके सो कई बार आपको कन्वीनियंस में ये भी लिखा हो सकता है, इसके तीन सिंबल है, ए स्टार बी भी लिखा हो सकता है, ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, और खाली कई बार कन्वेंशन के लिए ए इंटू बी भी लिख सकते हैं. अगर दोनों के बीच कुछ नहीं है इसका मतलब भी एंड है, मल्टीप्लीकेशन है, स्टार है, देन इट इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन, डॉट है, देन इट इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन. ओके एंड योर फोर्थ ऑपरेटर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज योर नॉट ऑपरेटर. सो नॉट के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, बार साइन. दिस सो बार साइन क्या होता है, मान लो आपके पास कोई एक वेरिएबल है ए, अगर हमने इसको नॉट करना है तो बार लगा दो. और इसका क्या मतलब होता है कि अगर ए की वैल्यू जीरो है देन योर ए बार विल बी वन, अगर ए वन है तो ये नॉट है, ए बार विल बी जीरो. ओके सो ये चार बेसिक सिंबल हैं जो कि बुलियन अलजेब्रा में यूज होंगे. अगर अब हम इस अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे, बात याद है कि बुलियन अलजेब्रा की क्या ज़रूरत पड़ी, हम ये क्यों लॉजिक सिंबल पढ़ रहे हैं या बुलियन थ्योरम पढ़ेंगे, क्या ज़रूरत है उसकी. ज़रूरत इसीलिए है कि अगर आपको डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करने हैं, आप एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको सर्किट डिज़ाइन करना होता है. सर्किट डिज़ाइन करने के लिए आपको ट्रुथ टेबल या फिर बुलियन एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए, तभी आप कॉरेस्पॉन्डिंग लॉजिक गेट्स लगा पाएंगे. फाइन सो बुलियन थ्योरम में अगर हम देखें, हमारे पास बुलियन थ्योरम्स को हम टू टाइप्स ऑफ ग्रुप में डिवाइड करते हैं. बुलियन थ्योरम्स को द फर्स्ट ग्रुप इज योर सिंगल वेरिएबल थ्योरम, द सेकेंड ग्रुप इज योर मल्टी वेरिएबल थ्योरम. नाम से ही पता चल रहा है सिंगल वेरिएबल थ्योरम में एक ही वेरिएबल होगा और मल्टी वेरिएबल थ्योरम में मोर देन वन वेरिएबल. वेरिएबल यहाँ देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, वेरिएबल इज ए और ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है. सो सिंगल वेरिएबल थ्योरम वो होंगी जहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही इनपुट होगा, इज दैट फाइन. सो सिंगल वेरिएबल थ्योरम अगर हम देखें, फर्स्ट इज योर थ्योरम नंबर वन इज योर एनलमेंट लॉ, इसे आप एनलमेंट लॉ भी कह सकते हैं या एनलमेंट थ्योरम, वट एवर यू फील लाइक. सो इसके अंडर दो थ्योरम्स आती हैं, द फर्स्ट थ्योरम इज ए इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो एंड ए प्लस वन इज इक्वल्स टू वन. ओके सो फर्स्ट थ्योरम इज योर अनलमेंट लॉ थ्योरम और इसके अंदर फर्दर दो क्लासेस हैं, ए इंटू जीरो इज जीरो एंड ए प्लस वन इज इक्वल्स टू वन. सो बात यह आती है कि इसको हम वेरीफाई कैसे करें कि ए इंटू जीरो ए होता है और ए प्लस इंटू वन ए प्लस वन वन होगा. फाइन सो इसके लिए बहुत ही सिंपल है एनलमेंट लॉ. पहली बात तो इसको एनलमेंट क्यों कहते हैं, देखो ए जब वेरिएबल जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो उसने अपनी आइडेंटिटी खोगी, एनलमेंट हो गया उसका. जब वन में ऐड हुआ तो उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी. अब देखेंगे कैसे होता है, ए इंटू जीरो, जीरो के लिए हम कौन सा गेट यूज करते हैं, एंड गेट, यू ऑल नो. सपोज करते हैं एक वेरिएबल है हमारा ए, दूसरा वेरिएबल है हमारा जीरो, हमें इसका आउटपुट देखना है हर कंडीशन में क्या आएगा. एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाए, एक इनपुट है आपका ए, दूसरा इनपुट आपका फिक्स है दैट इज जीरो, आउटपुट क्या होगी. एक हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं, मानते हैं पहली बार जीरो है, सो जीरो जीरो, आउटपुट जीरो. एक ही वैल्यू वन होगी, दूसरा तो जीरो ही है, वन इंटू जीरो अगेन जीरो, सो आउटपुट इज योर जीरो. यही कहती है एनलमेंट थ्योरम. सेकेंड थ्योरम इज योर ए प्लस वन इज वन, प्लस के लिए कौन सा गेट यूज करते हैं, और गेट.
वन इनपुट इज योर ए, अनदर इनपुट इज योर वन. और गेट है, और गेट क्या ऑपरेशन देगा, ए प्लस वन. ओके, अब यहाँ करके देखें फिर से, ये ए है, ये दूसरा इनपुट है और यहाँ आउटपुट है सिफर. ए जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, दूसरा इनपुट हमने फिक्स रखा हुआ है कॉन्स्टेंट, दैट इज वन वन. जीरो प्लस वन एंड और गेट में क्या आता है, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन इज वन. देखो ये इस तरह अलग है दूसरे से, वन प्लस वन नॉर्मल अलजेब्रा में आप टू कहते हैं, बट यहाँ पे ये वन देते हैं. सो दिस इज योर एनलमेंट थ्योरम, ए इंटू जीरो इज जीरो, ए प्लस वन इज योर वन. ओके, सो नेक्स्ट इज योर आइडेंटिटी लॉ. एनलमेंट थ्योरम कर ली, नेक्स्ट वन इज योर आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, देखें आइडेंटिटी लॉ के अंडर भी दो थ्योरम्स आती है. फर्स्ट थ्योरम इज योर ए इंटू वन इज ए एंड ए प्लस जीरो इज ए. देखो एनलमेंट थ्योरम में क्या हुआ था, एनलमेंट थ्योरम में उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी वेरिएबल ने. आइडेंटिटी में क्या है कि वो अपनी वही रहेगा जो साथ वाला है, वो एज इट इज रह जाएगा लाइक दिस. ए इंटू वन इज ए, ए प्लस जीरो इज ए. अगेन अगर आपको इसको प्रूव करके देखना है, एक एंड गेट बनाइए, एक इनपुट है ए, दूसरा इनपुट है वन. एंड गेट में आउटपुट क्या होती है, आउटपुट वन तभी आएगी जब दोनों में से दोनों ही इनपुट वन हो. अब हमें देखो आउटपुट यहाँ देखनी है, एक इनपुट ए, दूसरा इनपुट फिक्स है वन, आउटपुट आपको देखनी है क्या आएगा. सो ए कैन बी जीरो, ए कैन बी वन, सो दिस इज वन फिक्स्ड, जीरो इंटू वन जीरो. तो ये ए ही है ना, ए जीरो था तो ये भी जीरो आया आउटपुट. तो दिस ए वन था, वन इंटू वन वन, सो दिस इज अगेन ए. सो दिस इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ, ए इंटू वन इज ए. नेक्स्ट इज ए प्लस जीरो इज ए. अगेन एक और गेट बनाइए लाइक दिस, ए जीरो आउटपुट शुड बी ए. करके देखें फिर से, सपोज ए सेकेंड आउटपुट इज फिक्स, दिस इज ए शुड बी ए प्लस जीरो. सो ये जीरो हो सकता है, ये वन हो सकता है, ये जीरो फिक्स है. जीरो प्लस जीरो इज जीरो, वन प्लस जीरो इज वन. सो अगर ए जीरो था आउटपुट जीरो आया, दिस इज ए. अगर ए वन था आउटपुट वन आया, दिस इज ए. सो दिस इज योर आइडेंटिटी लॉ. ओके, सो हमारी चार सिंगल वेरिएबल थ्योरम प्रूव हो चुकी हैं. फर्स्ट इज योर एनलमेंट लॉ, सेकेंड इज योर आइडेंटिटी लॉ. सो नेक्स्ट थ्योरम जो हम करने वाले हैं, दिस इज योर इंडिपेंडेंट लॉ. आई एम राइटिंग इट इंडिपेंडेंट लॉ. अब ये लॉ क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट लॉ के अकॉर्डिंग योर वेरिएबल, फर्स्ट थ्योरम इज a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए एंड ए इंटू ए शुड इक्वल्स टू ए. बट यहाँ देखो, अब ये मत कहना कि ये मल्टी वेरिएबल थ्योरम है, दिस इज ऑल्सो सिंगल वेरिएबल थ्योरम. एक ही वेरिएबल हमने यूज किया, a प्लस ए इज ए, ए इंटू ए इज ए. जैसे पिछली प्रूव की है इसको भी कर लेना, मैं सिर्फ a प्लस ए का करके दिखा देती हूँ, a इंटू ए का खुद से करना. a प्लस ए इज ए, दोनों आउटपुट ए आ रहे हैं. ये देखो यहाँ भी अलग है, ए प्लस ए टू ए मत लिख देना कभी भी नॉर्मल अलजेब्रा समझ के. फाइन, और गेट है, ट्रुथ टेबल बनाए. फर्स्ट वेरिएबल इज ए, सेकेंड वेरिएबल इज ऑल्सो ए, हमें आउटपुट देखना है क्या आता है. ए की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है. हम मानते हैं कि ये जीरो, इस तरह जब ये जीरो है तो ये वन है, जीरो है, ये जीरो, ये वन, ये वन, ये जीरो, ये वन, ये वन. ओके, कुछ भी हो सकता है, ये चार पॉसिबिलिटी हैं. एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, जीरो, वन, वन और वन, ऐसा होता है. इफ दिस शुड बी बी, अब दोनों आउटपुट के इनपुट क्या हैं, सेम है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए है. सो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, ये पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती.
सो अब हमारी ट्रुथ टेबल क्या बचेगी, सिर्फ इनपुट क्या है ए, सो या तो दो ये जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, ए है ना, ये वन होगा तो ये भी वन होगा, सो जीरो प्लस जीरो एंड गेट में क्या होता है जीरो, जी वन और वन क्या होता है एंड गेट में वन, सो जब ए जीरो था आउटपुट जीरो अगेन है, ए वन था आउटपुट वन अगेन है, फाइन। इसी तरह आप इंडियम इम्पोर्टेंट ला कर सेकेंड खुद से कर लेना, ए इंटू ए शुड ए, इसके लिए भी अगर देखना चाहो बहुत जल्दी जल्दी में देखें, ए अगर जीरो है तो जीरो इंटू जीरो इज जीरो एंड गेट में वन इंटू वन दोनों वन है तो वन, सो अगेन ए के इक्वल आ रहे, सो दिस इज इंड इम्पोर्टेंट ला। अब ये आपको इनके नाम याद रहे ना रहे दैट इज नॉट नेसेसरी, बट ये लॉज आपको याद रखने चाहिए। नॉर्मल अलजेब्रा में इंटू ए स्क्वायर होता है, जबकि बुलियन अलजेब्रा में ये चीज फर्क है। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट लॉ, अब ये कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन, ए इंटू ए बार इज इक्वल टू जीरो। देखिए ए प्लस ए बार वन है, ए इंटू ए बार जीरो है, अगेन ए और ए बार मान लो ये आपका एंड गेट है और गेट है, एक इनपुट है ए दूसरा इनपुट है ए बार, तो इससे पहले एक नॉट गेट लग गया ए ए बार, आउटपुट इज ए प्लस ए बार। ट्रुथ टेबल बनाए फिर से, ये रही ट्रुथ टेबल, सो फर्स्ट इनपुट इज योर ए, सेकेंड इनपुट इज योर ए बार, आउटपुट इज योर वन, ओके। इनपुट अगर ए है, ए मीन्स जीरो, अगर ए जीरो है ए बार वन है, अगर ए वन है ए बार जीरो है, और गेट में जीरो प्लस वन क्या होता है वन, और गेट में वन इंटू जीरो क्या होता है वन, सो आउटपुट इज वन। ये चाहे जीरो हो या वन हो आउटपुट हमेशा वन रहेगा, अगर और गेट की बात करते हैं ए प्लस ए बार इज ऑलवेज वन, सो ये तो हमने और गेट का किया। इसी ट्रूथ टेबल में अब हम एंड गेट का बना लेते हैं, दिस इज फॉर एंड गेट, इसका आउटपुट हम जेड करते हैं, ये ए इंटू ए बार को रिप्रेजेंट करेगा, ए जीरो है तो ए बार वन है, तो जीरो इंटू वन क्या होता है जीरो, ए वन है ए बार जीरो है, वन इंटू जीरो इज अगेन जीरो, सो ए इंटू ए बार हमेशा क्या आया जीरो, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। ए इंटू ए बार हमेशा जीरो रहेगा और ए प्लस ए बार वन रहेगा। नेक्स्ट इज योर डबल नेगेशन लॉ, डबल नेगेशन लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, डबल नेगेशन लॉ क्या कहता है या फिर डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए बार के ऊपर अगर बार कर दो तो क्या आएगा ए। बहुत सारी बुक में ये बार की जगह इस तरह नेगेशन या ये सिंबल भी होगा, सो दैट इज सेम थिंग। नॉट गेट को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग मेथड नहीं है, एक ही चीज़ है। इसको प्रूव करके देखें, सपोज करते हैं ए इज जीरो, देन ए बार विल बी वन, ए बार बार वन का नॉट करो तो क्या आता है फिर से जीरो, सो दिस इज इक्वल्स टू ए। दूसरी पॉसिबिलिटी लें, ए इज वन, ए बार क्या होगा जीरो, ए डबल बार फिर से क्या आ जाएगा वन, सो विच इज अगेन इक्वल्स टू ए, सो दिस इज योर डबल नेगेशन लॉ, ओके। सो ये सिंगल वेरिएबल थ्योरम्स थी, टोटल 9 थ्योरम्स हो, अब हमने कितनी थ्योरम्स कर ली, फर्स्ट आपके पास थी ये देखो अनलमेंट थ्योरम, दो थ्योरम यहाँ आई, ए इंटू जीरो इज जीरो, ए प्लस वन इज वन, आइडेंटिटी थ्योरम, ए इंटू वन इज ए, ए प्लस जीरो इज ए। नेक्स्ट इज इंडियम इम्पोर्टेंट लॉ, ए प्लस ए इज ए, ए इंटू ए इज ए, देन कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए प्लस ए बार इज वन, ए इंटू ए बार इज जीरो, डबल नेगेशन लॉ कि डबल नॉट गेट करोगे सेम आ जाएगा आपके पास, ओके। सो ये नो थ्योरम जो है आपकी सिंगल वेरिएबल थ्योरम, और इनकी मैंने आपको बता दिया है इनको कैसे डिराइव करना है सिंगल वेरिएबल थ्योरम। सो नेक्स्ट है आपके पास मल्टी वेरिएबल थ्योरम,
सिंगल वेरिएबल थ्योरम आई होप क्लियर होगी होंगी आपको. सो नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज योर मल्टी वेरिएबल थ्योरम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टी वेरिएबल थ्योरम्स. नाम बता रहे हैं इसमें अब मोर देन वन वेरिएबल रहेंगे. सो दिस इज मल्टी वेरिएबल थ्योरम. सो योर फर्स्ट थ्योरम इज कम्यूटेटिव लॉ. अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ये तो आप नॉर्मल एल्जेब्रा में भी पढ़ते हैं. ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए एंड ए इंटू बी इज बी इंटू ए. ओके, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. और सेकेंड कम्यूटेटिव लॉ कहता है ए इंटू बी इज बी इंटू ए. सो इसमें तो बुलियन में तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है कि पहला इनपुट आपका ए है या दूसरा है, क्योंकि एट मोस्ट केसेस में क्या होते हैं, ए ले लिया बी ले लिया, आउटपुट क्या आएगा ए प्लस बी. देखो मैं एक आपको एंड गेट वाली और गेट वाली करके दिखा रही हूँ, दूसरी खुद से कर लेना. उसी तरह वेरिफिकेशन करनी है, नथिंग एल्स. ए बी दिस इज ए प्लस बी आउटपुट. सो जीरो वन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो से जीरो जीरो वन से वन वन जीरो से वन 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 से वन. और अगर बी प्लस ए करना चाहें देख लो यहीं पे करके जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो जीरो वन प्लस जीरो वन जीरो प्लस वन 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 प्लस वन वन दोनों सेम आ गए. सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. सो ये कौन सी थ्योरम हुई आपकी, कम्यूटेटिव लॉ. जो बेसिक बुलियन है अलजेब्रा वो आपके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इज योर एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी और ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी. अगर आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है तो इट डजेंट मैटर किसी भी ऑर्डर में ले लीजिए, जो मर्जी लीजिए आपके पास सेम ही आएगी. सो दिस इज नॉन एज एसोसिएटिव लॉ. ए प्लस बी प्लस सी इसका चाहे करके देख लीजिए. अब देखो हमारे पास तीन वेरिएबल आ गए ए बी सी, फाइन. सो पॉसिबल केसेस कितने होंगे, जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो एंड ट्रिपल वन. दीज आर एट पॉसिबल केसेस. ओके, सो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए b इंटू सी. पहले ब्रैकेटेड टर्म सॉल्व करनी है, ध्यान रखना हमेशा. इसमें वही रूल आपका हमेशा लगेगा बोर्ड मास का, पहले ब्रैकेट देन मल्टीप्लीकेशन देन सॉरी पहले ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम फुट पर रहते हैं. अब b इंटू सी करो, b इंटू सी इज जीरो, जीरो इंटू वन इज जीरो, जीरो वन जीरो जीरो मल्टीप्लीकेशन हो रही है, वन इंटू जीरो इज जीरो, वन इंटू वन इज वन. उसके बाद आता है ए इंटू बी इंटू सी करिए. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन अगेन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन इज वन. ये तो आया इसका. दिस शुड बी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी. ए इंटू बी करें पहले, एक हमारे पास टर्म ये आ गई. अब दूसरी टर्म देखते हैं, ए इंटू बी करो, जीरो इंटू जीरो जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन. अब ए इंटू बी, अब इसके साथ सी मल्टीप्लाई कीजिए. देखिए ए इंटू बी है हमारा ये, मैं डबल क्लिक से कर रही हूँ और इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करूँ. देखो
जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन, यही है आ गया। अब ये देखो, ये वाली टर्म और ये, इज दिस सिमिलर? सो एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया आपको। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ए इंटू बी, सॉरी, ए इंटू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू डी प्लस बी इंटू डी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज ए इंटू बी प्लस सी, दिस इज सिंपली ए बी प्लस ए सी। ओके, सिंपल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चाहो तो उसी तरह लॉजिक गेट से प्रूव कर सकते हो। फाइन, उसके बाद एक और थ्योरम आती है आपके पास, जिसे आप कह सकते हो सेकेंड एब्जॉर्प्शन थ्योरम। एब्जॉर्प्शन थ्योरम, वो क्या कहती है? ए प्लस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए। अब ये देखो, ए प्लस ए इंटू बी ए के इक्वल कैसे आएगा? दोनों में क्या कॉमन है? ए, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, ए कॉमन ले लीजिए, यू विल लेफ्ट विद वन प्लस बी। और ये हमने किया था में वन प्लस बी किसके इक्वल होता है? वन के। सो दिस इज ए इंटू वन। ओके, और एनी थिंग विल बी मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू इट सेल्फ, सो दिस इज इक्वल टू ए। सो एक तो ये थ्योरम होगी। एक और थ्योरम आती है आपके पास, दैट इज, जिसे आप सेकेंड एब्जॉर्प्शन थ्योरम कहते हैं। दिस इज एब्जॉर्प्शन थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम। सेकेंड एब्जॉर्प्शन थ्योरम इज ए प्लस ए बार बी इंटू बी, सॉरी, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। दिस इज योर सेकेंड एब्जॉर्प्शन थ्योरम। आप इसको करके देखें, ए प्लस ए बार इंटू बी, दिस शुड इक्वल टू ए प्लस बी। ये कैसे आएगा देखो, यही है ना आपके पास। नाउ सी हाउ वी विल प्रूव दिस। अब आपको पता है ए इंटू ए बार क्या होता है? जीरो। सो अगर हम इसमें प्लस जीरो करेंगे किसी भी चीज में, ए प्लस जीरो दैट विल इक्वल्स टू ए, कोई फर्क नहीं आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरो ऐड करेंगे, वन प्लस ए प्लस ए बार इंटू बी प्लस जीरो। ओके, और जीरो को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए बार बी प्लस ए इंटू ए बार, क्योंकि ए इंटू ए बार जीरो होता है, आप लिख सकते हैं। ओके, एंड फर्दर आप ए को लिख सकते हैं ए इंटू वन, नो प्रॉब्लम विद दैट। ए इंटू वन प्लस ए इंटू ए बार कौन से लॉ से आया? कॉम्यूटेटिव लॉ से, प्लस ए बार इंटू बी। ए बार बी प्लस ए बार को ए ए बार प्लस ए बार बी लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग। और ए इंटू वन हमने करा क्योंकि किसी को भी टर्म को वन से मल्टीप्लाई करो वो इट्स डिफरेंट, सो दिस इज ए इंटू वन। अब फर्दर वन को आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए बार, यू कैन राइट। सॉरी, नॉट दिस, वन सेकेंड, नॉट दिस,
आई हैव रिटन इट रॉन्ग. ऑल्दो दिस इज करेक्ट बट ये प्रूव करने के लिए सही नहीं है. वन को आप लिख सकते हैं वन प्लस बी. हमें एक टर्म बी की चाहिए. ए बार तो हम ऑलरेडी ले आए हैं. दिस वन प्लस बी आप इजीली लिख सकते हैं. वन में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो वो वन ही रहता है. वन ये थ्योरम भी हम पहले पढ़ चुके हैं आज के लेक्चर में ही. सो दिस विल बी क्या आएगा आपके पास. मल्टीप्लीकेशन करिए ए प्लस ए बी प्लस ए ए बार प्लस ए बार बी. यही आएगा आपके पास है ना. और हमें इसको किसके इक्वल प्रूव करना है. हमें इसको ए प्लस बी के इक्वल प्रूव करना है. फाइन. तो अब यहाँ देखो यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे. देखो इस टर्म में से ए कॉमन ले लेते हैं इसमें और इसमें से. सो दिस विल बी वन प्लस ए बार. ओके नेक्स्ट में इसमें से और इसमें से बी कॉमन ले लीजिए. क्या आएगा आपके पास. बी कॉमन लेने से ए प्लस ए बार. अगेन ए प्लस ए बार अभी हमने किया था इससे पहले लॉ में. किसी में भी उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दो. ये वन है तो ये ज़ीरो होगा. वन प्लस ज़ीरो इज ऑलवेज वन. सो ये टर्म आ जाएगी वन. वन प्लस ए बार वन में कुछ भी ऐड करो वन रहता है. सो अल्टीमेटली यू विल गेट ए इंटू वन प्लस बी इंटू वन. सो इट विल बी ए प्लस बी. दिस इज सेकेंड एब्जॉर्प्शन थ्योरम. एब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेती है अनदर कोफिशिएंट और हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो गया. कहाँ हमारे पास हमें इसमें देखो अगर रियलाइज करना पड़ता एक बार है नॉट गेट यहाँ लगता एक नॉट गेट लगता एक एंड गेट लगता एक और गेट लगता. तीन गेट लगते अब कितने लगे ए प्लस बी सिर्फ एक और गेट. सो एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया. सो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ यही थ्योरम्स हम पढ़ेंगे. हमने सिंगल वेरिएबल थ्योरम कर ली डबल वेरिएबल थ्योरम कर ली. एक थ्योरम हमारे पास रह गई है डी मॉर्गन थ्योरम. वो हम कमिंग लेक्चर में करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे.